गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। टॉपिक रहेगा था आपका इवेपोरेशन, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज। इवेपोरेशन को बेटा समझने से पहले एक ही समझो, आप लोग मेल्टिंग पॉइंट समझ चुके हो, आप लोग बॉइलिंग पॉइंट समझ चुके हो, आप लोग फ्रीजिंग समझ चुके हो, आप लोग सॉलिडिफिकेशन समझ चुके हो, आप लोग इवेपोरेशन का मीनिंग समझ चुके हो, आप लोग कंडेंसेशन समझ चुके हो। आज हम थोड़ा इवेपोरेशन को डिटेल में समझने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इवेपोरेशन को डिटेल में समझने के जा रहे हैं बेटा हम। सबसे पहले समझना है हमें क्या मीनिंग किसका इवेपोरेशन का। देखो बेटा, इवेपोरेशन का मीनिंग क्या है, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, मैकेनिज्म नहीं है। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच द वॉटर, वॉटर पता है बेटा हमें किसमें होता है, लिक्विड स्टेट में, इन विच अ सब्सटेंस बेसिकली वॉटर फ्रॉम द लिक्विड स्टेट गेट्स कन्वर्टेड इंटू वेपर स्टेट और गैसीय स्टेट। अब आप क्या हो गए सर, आप बता रहे हो इवेपोरेशन में कि वो लिक्विड से गैसीय स्टेट में, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, एग्जांपल वॉटर लिया आपने, ठीक है। लेकिन यही सारी चीज तो इसमें बॉइलिंग होती थी, बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड से वो अपनी वेपर स्टेट में कोई भी लिक्विड कन्वर्ट होता था, एग्जाम्पल वॉटर। तो आप कह रहे हो सर आप सेम चीज बता रहे हो किसमें, इवेपोरेशन में। तो बेटा डिफरेंस क्या है, इवेपोरेशन जो है इट टेक्स प्लेस एट ऑल द टेम्परेचर, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल द टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पे हमारा इवेपोरेशन होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा किसकी, हम बात करते हैं किसकी, बॉइलिंग की। द बॉइलिंग इट टेक्स प्लेस ओनली ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, सिर्फ हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है क्या बॉइलिंग, यानी कि बॉइलिंग जो प्रोसेस है हमारा सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, और इवेपोरेशन जो प्रोसेस है हमारा इट टेक्स प्लेस एट ऑल द टेम्परेचर। लेकिन आपकी बुक में और नोट्स में जो डेफिनेशन मिलेगी बेटा इवेपोरेशन की, वो ये मिलेगी, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बिलो द बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा इवेपोरेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन, यानी कि बिलो द बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा कन्वर्जन हो रहा है इसका लिक्विड का गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में, दैट इज कॉल्ड एज द इवेपोरेशन। वो इसलिए बेटा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे तो उसको हमने बॉइलिंग बोल दिया, अगर सभी पॉइंट पे बोल देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसके अंदर आ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जितना भी बेटा कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड का वेपर स्टेट में, दैट इज कॉल्ड एज द इवेपोरेशन। और आप देखते हो बेटा हमारे सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या है, बहुत ज्यादा वाटर प्रेजेंट है, यानी कि अ लॉट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन रिवर पॉन्ड्स वेल्स एक्सेट्रा। रिवर पॉन्ड्स वेल्स में क्या है, बहुत ज्यादा सरफेस पे वाटर प्रेजेंट है, और ये सारा सारा वाटर क्या है कंटिन्यूअसली आपका क्या है इवेपोरेट होता रहता है, कंटिन्यूअसली सारा वाटर आपका इवेपोरेट होता रहता है, किससे सरफेस से, अपने सरफेस से लगातार वाटर क्या है इवेपोरेट होता रहता है। जो लगातार बेटा सरफेस से वाटर इवेपोरेट होता रहता है, जो सारा का सारा वाटर बेटा ऊपर आता है स्काई में, ठीक है, और वो क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स द क्लाउड्स। और जब ये क्लाउड्स हमारे भारी हो जाते हैं तो दीज क्लाउड्स अगेन कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ये सारे के सारे वाटर वेपर्स ऊपर गए, क्लाउड फॉर्म्स हो गए और क्लाउड से द्वारा वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड एज द कंडेंसेशन, इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा अब नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहा हूं मैं कि फैक्टर्स, यानी कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज दिस इवेपोरेशन डिपेंड्स, यानी कि ये इवेपोरेशन किस कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेटा इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले डिपेंड करेगा बेटा किसके ऊपर, ये सरफेस एरिया के ऊपर। सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, रिवर जितनी लंबी चौड़ी होगी बेटा उसके सरफेस से उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, यानी कि सन को बेटा अपनी हीट एनर्जी डालने के लिए क्या है सरफेस ज्यादा मिलेगा, सन विल गेट मोर सरफेस टू पुट अपॉन द हीट एनर्जी, यानी कि ज्यादा सरफेस पे हीट एनर्जी जाएगी और ज्यादा सरफेस पे वो लिक्विड जो है वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा। सो मोर इज द सरफेस एरिया मोर विल बी द इवेपोरेशन। इसके बाद बेटा सरफेस एरिया के बारे में बात आती है किसकी, हम बात करेंगे टेम्परेचर की। अगर बेटा एनवायरनमेंट में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या हमारा इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा, यस।
अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा सो एज आवर इवेपोरेशन रेट विल आल्सो इंक्रीज, यानी हमारा बेटा टेम्परेचर बढ़ने से क्या है इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। टेम्परेचर के बाद आता है बेटा विंड स्पीड, आपने देखा होगा बेटा कई बार छत पे शाम को हवा चल रही होती है, हम कपड़े डालते हैं, कपड़े सूखने पीछे रीजन क्या है बेटा, एक तो क्या है इवेपोरेशन हो रहा है उसमें सन से जो हीट एनर्जी आ रही है, और जो विंड स्पीड है बेटा विंड स्पीड क्या करेगी, जो आसपास से बेटा वाटर इवेपोरेट हो गया कपड़ों से, जो आसपास वाटर इवेपोरेट हो गया वो सारा वाटर क्या है विंड से आगे मूव कर जाएगा। इसका मतलब साइड में बेटा क्या है सरफेस एरिया मिल गया जिससे क्या है वाटर और ज्यादा इवेपोरेट हो सके आपका, यानी कि अगर विंड ज्यादा तेज चलेगी तो इवेपोरेशन का रेट भी क्या है बढ़ जाएगा, यानी कि विद द विंड स्पीड इवेपोरेशन रेट आल्सो इंक्रीजेस, यानी कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद द विंड स्पीड, यानी कि विंड की स्पीड से इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा। इसके बाद बेटा फोर्थ फैक्टर आता है आपका क्या ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से हम क्या समझते हैं बेटा, ह्यूमिडिटी मीन्स अमाउंट ऑफ वॉटर वेपर्स that are present in the atmosphere, यानी कि जो water vapors बेटा हमारे atmosphere में present हैं that counts or that forms the humidity। अगर बेटा हमारे environment में water vapors ज्यादा होंगे तो हमारा जब evaporation हो रहा है, मान लो एक क्लोथ है हमारा कोई बेटा कपड़ा है कोई, ठीक है, इस क्लोथ से evaporation हो रहा है, इसका पानी सूख रहा है, यानी कि लिक्विड से गैसीय स्टेट में वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑलरेडी एनवायरमेंट में क्या है वाटर वेपर ज्यादा है, तो इस वेपर को स्पेस नहीं मिला कहीं जाने का, और अगर ये ह्यूमिडिटी कम होगी यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में कम प्रेजेंट होंगे तो बेटा इसको स्पेस मिल जाएगा किसको वेपर्स को मूव करने का, कहां पे सराउंडिंग एनवायरमेंट में, तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, इवेपोरेशन विल बी लेस, ह्यूमिडिटी इज लेस, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन हमारा ज्यादा होगा, इवेपोरेशन विल बी मोर। तो बेटा ये आज हमने डिस्कस किया इवेपोरेशन के बारे में, वो लास्ट जो मैंने ली थी ऑनलाइन क्लास उसमें मैंने डिस्कस की थी इवेपोरेशन के बारे में, मैंने कहा था इसकी वीडियो बनाऊंगा मैं इवेपोरेशन की, तो मैंने इवेपोरेशन को डिफाइन किया आज, और डिफाइन करने का मैंने चार फैक्टर डिस्कस किए जिसके ऊपर हमारा इवेपोरेशन डिपेंड करता है, ठीक है, थ्री मार्क्स का क्वेश्चन बनता है अगर आपके एग्जाम में ये, तो थ्री फैक्टर कौन कौन से आपके सरफेस एरिया विंड स्पीड ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर ऑन विच द इवेपोरेशन डिपेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास एंड द क्लास।